प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रीमद् भगवद गीता के श्लोकों की पांडुलिपि के 11 खंडों का किया विमोचन। कहा, गीता भारत की वैचारिक स्वतंत्रता का प्रतीक। हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के प्रश्नकाल में स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा, प्रदेश में विशेषज्ञ चिकित्सकों का बनेगा अलग कैडर। सिरसा में कोरोना वैक्सीनेशन के दूसरे चरण में 116 वर्षीय बुजुर्ग ने लगवाया टीका। बुजुर्गों ने कहा, टीकाकरण के बाद नहीं हुई कोई स्वास्थ्य समस्या। और हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार में फसल विविधीकरण पर 2 दिवसीय ऑनलाइन कृषि मेला आज से हुआ शुरू। देश भर से 50,000 किसानों ने करवाया पंजीकरण। नमस्कार, मैं सुरेंद्र कुमार। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में 21 विद्वानों की व्याख्या के साथ श्रीमद् भगवद गीता के श्लोकों की पांडुलिपि के 11 खंडों का विमोचन किया। कार्यक्रम में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और डॉ. कर्ण सिंह भी मौजूद थे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि गीता भारत की वैचारिक स्वतंत्रता और कर्मनिष्ठा का प्रतीक है। गीता के विश्व रूप ने हर कालखंड में पथ प्रदर्शन किया है। उन्होंने कहा कि गीता के अनुसार ज्ञान और विज्ञान जब साथ मिलते हैं तभी समस्याओं का समाधान होता है। हम श्रीमद् भगवद गीता की 20 व्याख्याओं को एक साथ आने वाले 11 संस्करणों का लोकार्पण कर रहे हैं। मैं इस पुनीत कार्य के लिए प्रयास करने वाले सभी विद्वानों को, इससे जुड़े हर व्यक्ति को और उनके हर प्रयास को आदरपूर्वक नमन करता हूं और उनको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। किसी के लिए गीता ज्ञान का ग्रंथ है, किसी के लिए सांख्य का शास्त्र है, किसी के लिए योग सूत्र है, तो किसी के लिए कर्म का पाठ है। और मैं जब गीता को देखता हूं तो मेरे लिए ये उस विश्वास के विश्व रूप समान है जिसका दर्शन हमें 11वें अध्याय में होता है। मम देहे गुड़ाकेश यच्च अन्नत दृष्टमो इच्छसि, अर्थात मुझ में जो कुछ भी देखना चाहो देख सकते हो। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने आज हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के दौरान बताया कि प्रदेश में विशेषज्ञ चिकित्सकों की कमी को पूरा करने के लिए एक अलग कैडर बनाया जाएगा। प्रदेश सरकार लगभग 500 चिकित्सकों की भर्ती करेगी जिससे राज्य के सभी अस्पतालों में चिकित्सकों की कमी को पूरा किया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि राज्य से करीब 200 चिकित्सक चंडीगढ़ में कार्यरत हैं। इसके लिए उन्होंने विभाग के चंडीगढ़ में कार्यरत चिकित्सकों के पदों को अलग से स्वीकृत करवाने के आदेश दिए हैं ताकि चंडीगढ़ में भेजे जाने वाले चिकित्सकों की कमी को दूर किया जा सके। होती है हमारे पास जो 400-500 डॉक्टरों की शॉर्टेज है सर, हम उनको जल्दी ही भरने की कोशिश कर रहे हैं। जहां तक इन्होंने स्पेशलिस्ट डॉक्टर की बात की सर, सर वो वाकई बहुत बड़ी समस्या है। तो हमने निर्णय लिया है कि हम स्पेशलिस्ट डॉक्टर का अलग कैडर क्रिएट करेंगे, क्योंकि अभी तक स्पेशलिस्ट डॉक्टर का अलग कैडर नहीं है। भर्ती MBBS की ही होती है, उसमें जो स्पेशलिस्ट आ जाते हैं उनको स्पेशलिस्ट बना दिया जाता है। हम चाहते हैं कि स्पेशलिस्ट की भर्ती अलग हो, कितनी हमें आवश्यकता है उतनी ही हम भर्ती करें, और उनका जो वेतनमान है वो भी हम लुक्रेटिव रखना चाहते हैं ताकि वो आए और छोड़ के ना जाएं। स्पीकर सर, इन सब शॉर्टेज के होने के बावजूद हेल्थ डिपार्टमेंट ने काफ़ी प्रोग्रेस किया। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि भविष्य में प्रदेश में जितने भी राशन डिपो अलॉट होंगे उनमें 33% महिलाओं को दिए जाएंगे। हरियाणा देश का पहला ऐसा राज्य है जहां राशन कार्ड धारकों को मोबाइल डिपो के माध्यम से उनके घर द्वार पर राशन उपलब्ध करवाया जाएगा। फरीदाबाद में यह प्रक्रिया शुरू भी कर दी गई है। उप मुख्यमंत्री ने विधानसभा के बजट सत्र के दौरान ये जानकारी दी।
उप मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार की वन नेशन वन राशन स्कीम का जो अभियान चलाया गया है उसके तहत प्रदेश में राशन लेने वाले 1,22,00,000 लाभार्थियों को आधार नंबर से लिंक कर दिया गया है। अगर कोई व्यक्ति राशन डिपो तक राशन लेने जाता है तो मशीन पर पहले आधार नंबर डाला जाता है, इसके बाद संबंधित व्यक्ति का राशन स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाता है। आने वाले भविष्य में जितने भी राशन डिपो अलॉट किए जाएंगे उसमें 33% महिलाओं के लिए आरक्षित किया जाएगा। पहली चीज तो देश भर के अंदर वन नेशन वन राशन कार्ड की स्कीम चलाई गई है, जिसके अंतर्गत कंपल्सरी है कि हरियाणा प्रदेश के 1,22,00,000 राशन कार्ड होल्डर्स के अकाउंट को हमारी सरकार ने पहले ही आधार से लिंक करा दिया गया। और एक एक राशन डिपो के ऊपर अगर कोई ओपीएच में हो, बीपीएल में हो और किसी स्कीम के माध्यम से अगर राशन लेने जाएगा तो मशीन के अंदर पहले उसका आधार कार्ड नंबर डाला जाएगा, उसके बाद उसकी अलॉटमेंट की रिक्वायरमेंट उस मशीन पे डिस्प्ले होगी, फिर उसका थंबप्रिंट लेकर उसको अलॉटमेंट कराई जाएगी। भारत ने कोविड-19 टीकाकरण में कीर्तिमान बनाया है। कल एक दिन में 20 लाख से अधिक लोगों को कोविड के टीके लगाए गए। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि अभी तक 2,30,00,000 से ज्यादा लोगों को टीकाकरण किया जा चुका है। मंत्रालय ने बताया कि 60 वर्ष से अधिक आयु वाले 43,74,000 से अधिक लोगों को और अन्य बीमारियों से ग्रसित 45 वर्ष से अधिक आयु के 7,00,000 से अधिक लोगों को टीका लगाया जा चुका है। वहीं प्रदेश में कोरोना से रिकवरी रेट 98.12% हो गया है। अब तक 2,67,500 से अधिक लोग कोरोना को मात दे चुके हैं। वहीं प्रदेश में 3,98,000 से अधिक लोगों का टीकाकरण किया जा चुका है। सिरसा के खैरपुर स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर कोविड-19 वैक्सीनेशन अभियान के तहत लोगों को वैक्सीन लगाने का अभियान जारी है। अब तक इस केंद्र पर लगभग 300 बुजुर्गों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की प्रभारी ने बताया कि आज केंद्र पर लगभग 116 साल के बुजुर्ग को वैक्सीन लगाई गई, जो दूसरों के लिए भी प्रेरणा है। 100 साल उम्र के बुजुर्ग को टीका लगाया, इनका नाम है जीत राम जी, और हमें बहुत ही अच्छा मतलब महसूस किया हमने उनको टीका लगा के, हमारी एनएम्स ने उनको टीका लगा के काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा हमारा उनके, क्योंकि इतने बड़े एज के बुजुर्ग आदमी से मिलना मतलब सौभाग्य की बात है जिनकी इतनी लंबी उम्र हो। और भी अगर ऐसे बुजुर्ग आएंगे और हमें उनकी सेवा करने का मौका मिलेगा तो हमें बहुत खुशी होगी। वैक्सीन लगवाने के बाद 116 वर्षीय जीतराम ने बताया कि वो बिल्कुल स्वस्थ हैं। वैक्सीन लगवाने आए अन्य बुजुर्गों ने कहा कि उन्हें टीका लगवाने के बाद कोई परेशानी नहीं हुई। टीका लगाए बाद बांच से अपने पेड़ी माड़ा दुख रहा है। उम्र तो की रहने 115-116 साल दिया उम्र तो पिछड़े कुछ ना दिक्कत तो कोई नहीं आई। आज जो इन बारे बहुत वधिया है, मतलब बड़ी सहूलत के साथ लग रहा है, इन्हें कोई मुश्किल नहीं। आम पब्लिक को चाहिए कि अपने आप ही होना चाहिए, अपने आप करवाना चाहिए, तो इंजेक्शन लगाना चाहिए ना, कोई किसी तरह की दिक्कत नहीं, कोई स्टाफ वगैरह कोऑपरेटिव है। मैं ये कोरोना का टीका लगवाने के लिए आया हूँ और मैंने लगवा लिया तो बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आम टीका होता है वैसे ये लगता है, इससे कोई परेशानी नहीं होती, ना ही घबराने की जरूरत है इसमें। इसको ज़रूर लगवाना चाहिए, सरकार हमारे लिए इतना कुछ कर रही है तो हमें तो लगवाना चाहिए, कोई डरने की ज़रूरत नहीं। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क हमेशा सही ढंग से पहने, 2 गज की दूरी बनाए रखें और हाथ बार बार धोएं। हिसार के चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में खरीफ की फसलों के लिए 2 दिवसीय वर्चुअल कृषि मेला आज से शुरू हुआ। इस बार मेले का मुख्य विषय फसल विविधीकरण रखा गया है। मेले का ऑनलाइन उद्घाटन भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के उप महानिदेशक डॉक्टर ए.के. सिंह ने किया। 2 दिवसीय कृषि मेले को ऑनलाइन देखने के लिए देश भर से करीब 50,000 किसान पंजीकरण करवा चुके हैं। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर समर सिंह ने बताया कि मेले में ऑनलाइन ही विभिन्न फसल विशेषज्ञों द्वारा किसानों के सवालों के जवाब दिए जा रहे हैं। नहीं देख पाते तो वो 1 महीने तक वो अपलोड रहेंगे, तो वो कभी भी जब भी उनको समय मिलेगा
वो वहाँ पर देख सकते हैं। और आज ये भी एक प्रोविजन हमने सीधा किया है कि जो हमारे वैज्ञानिक हैं जो रिसर्च करते हैं वो सीधा किसानों के साथ जुड़ेंगे, अपने जितनी भी तकनीक हैं जो किसानों के लिए हम रिकमेंड करते हैं सिफारिश करते हैं उसके बारे में बताएंगे और किसान उनसे डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। कुलपति ने कहा कि कृषि विज्ञान केंद्रों के वैज्ञानिक किसानों को प्रेरित करें कि वे नई तकनीकों को अपनाएं ताकि किसानों की आय 2022 तक दोगुनी करने का लक्ष्य प्राप्त हो सके। मेले के मुख्य उद्देश्य हमारा, क्योंकि इस बार थीम भी है इस मेले का कि फसलों में विविधीकरण, क्योंकि आज ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो गया। एक तरह तो हम बात करते हैं कि हमारे किसानों की आमदनी दोगुनी होनी चाहिए, और क्योंकि लगातार धान गेहूं फसल कपास गेहूं फसल लेने से कुछ कमियां इस सिस्टम में आ गई हैं, जैसा कि पानी काफ़ी नीचे चला गया है, भूमि की उपजाऊ शक्ति घट गई है, वातावरण दूषित हो रहा है और आमदनी भी किसान की नहीं बढ़ रही। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि पानी को बचाने के लिए, ज़मीन की उपजाऊ शक्ति को बढ़ाने के लिए और वातावरण को शुद्ध करने के लिए, और दूसरा सबसे बड़ी बात आमदनी बढ़ाने के लिए विविधीकरण मतलब दूसरी फसलों पर हमें किसानों को हम प्रोत्साहित करते हैं। पलवल की अनाज मंडी में सरसों की आवक शुरू हो गई है। इस समय किसानों को सरसों की फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य से ज़्यादा भाव मिल रहा है। सरसों की फसल का सरकारी भाव 4,650 रुपये है, जबकि किसानों को व्यापारियों द्वारा 5,000 से भी अधिक तक का भाव मिल रहा है। मार्केट कमेटी सचिव ने बताया कि मंडी में अभी तक 251 क्विंटल सरसों की खरीद की जा चुकी है। उन्होंने किसानों से अपील करते हुए कहा कि मंडी में फसल को सुखा कर लाएं ताकि फसल का उचित मूल्य मिल सके। उन्होंने बताया कि मंडी में किसानों के लिए बिजली पानी की उचित व्यवस्था की गई है। मंडी में सरसों की आवक शुरू हो चुकी है, कल तक मंडी में 291 क्विंटल सरसों आ चुकी है और जो सरसों का रेट है वो MSP से ऊपर जा रहा है, क्योंकि इस बार जो MSP है सर गवर्नमेंट का वो 4,650 रुपये है। और हमारे किसानों से भी अपील है कि वो अपने सरसों की को सुखा के लाएँ और साफ करके लाएँ ताकि उनको और अच्छा रेट मिल सके। वैसे लगभग 5,000 के करीब सरसों यहाँ बिक्री है। मंडी में जो है अभी हमारी अराइवल एक दो दिन से स्टार्ट हुई है और करीबन 1,000 क्विंटल तक हमारी अराइवल आ चुकी है और करीबन 5,051 जो है प्राइवेट रेट चल रहा है, सरकारी रेट करीबन 4,500 रुपये है, तो उससे थोड़ा ज़्यादा रेट चल रहा है फिलहाल। तो सरसों की अभी स्टार्टिंग है, थोड़ी और संभावना बढ़ने की जो है अराइवल अभी और आएगी। मंडी में फसल लेकर आए किसानों ने बताया कि मंडी में सरसों की फसल का अच्छा भाव मिल रहा है। सरसों लेकर आयो और सरकारी जो रेट है वो है 4,650 और हमारी यहाँ जा रही है 5,100-5,200, बढ़िया रेट हमें प्राइवेट को मिल रहा है। दो ट्रॉली सरसों लाया, प्राइवेट बढ़िया रेट मिल रहा गवर्नमेंट से और 8-3 का सहयोग है, हमें कोई दिक्कत नहीं हो रही है। सरकारी 4,600 करीबन रेट था, अब उससे बढ़िया रेट चल रहा है, 5,100-5,100-5,100 ऐसा रेट मिल रहा प्राइवेट। भारतीय पहलवान बजरंग पूनिया ने रोम में आयोजित माटियो पेलिकोन रैंकिंग कुश्ती सीरीज में 65 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीतकर फिर से नंबर एक रैंक हासिल की है। ये लगातार दूसरी बार है जब बजरंग पूनिया ने इस चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक हासिल किया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन और प्रदेश के खेल मंत्री संदीप सिंह ने उन्हें इस उपलब्धि पर ट्वीट के माध्यम से शुभकामनाएं दी हैं। वहीं इस चैंपियनशिप में विनेश फोगाट ने भी लगातार दूसरा स्वर्ण पदक जीतकर फिर से नंबर एक की रैंक हासिल की है। उनकी उपलब्धि पर खेल मंत्री संदीप सिंह ने उन्हें बधाई दी है। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों के लिए वरदान साबित हो रही है। जींद जिले में योजना के सहायक परियोजना अधिकारी सुरेश ढाणा ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को खुद का पक्का घर बनाने के लिए और पुराने घर की मरम्मत के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। ये प्रधानमंत्री आवास योजना है और भारत सरकार की योजना है, इसमें हमारे पूरे ज़िले में 804 का लक्ष्य प्राप्त हुआ था, जिसमें 790 मकान हमने बनवा दिए हैं और उसके बाद 14 जो मकान हैं वो ऐसे लोग हैं जो उन्होंने नहीं बनाए, वो गांव छोड़कर चले गए इसलिए उनका रह गया, बाकी सभी मकान हमने पहले भेज के पूरे कर दिए। भंभेवा गांव निवासी लाभार्थियों ने बताया कि पहले उनके घर कच्चे थे जिससे बरसात के दिनों में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, लेकिन अब प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत हमारे पक्के मकान बन गए हैं।
पहले हमारा मकान कच्चा था, पक्का बन गया है क्योंकि भारत सरकार द्वारा योजना द्वारा में कुछ सहायता मिली थी, 31,000 रुपये दिए थे भारत सरकार ने, इसीलिए उनकी सहायता से हमारा घर पक्का बन गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना तो हमने पीछे मिले थे जी, जी हमारे कच्चे मकान थे, हमने सूती डाल बना लिया जी, 1,38,000 रुपये हमने मिले थे जी, जी मिले थे जी, और सूत्री डाला रहन के हमारे मकान बन गए जी, और इस भारत सरकार का जी हमारे ऊपर बहुत बढ़िया एहसान है जी, जो रहन के हमारे खातर मकान बन गए जी। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हमारे पहले कच्चे मकान थे, 1,38,000 रुपये हमें मिले और हमने अपना बढ़िया मकान बना लिया रहने वास्ते, इसलिए हम भारत सरकार का, मोदी सरकार का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। जो मकान बनाया है हमें, गरीब आदमी के पास इतना पैसा नहीं है और पैसे दिए और इस बात का हमें फायदा हुआ है। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रीमद् भगवद गीता के श्लोकों की पांडुलिपि के 11 खंडों का किया विमोचन, कहा गीता भारत की वैचारिक स्वतंत्रता का प्रतीक। हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के प्रश्नकाल में स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा प्रदेश में विशेषज्ञ चिकित्सकों का बनेगा अलग कैडर। सिरसा में कोरोना वैक्सीनेशन के दूसरे चरण में 116 वर्षीय बुजुर्ग ने लगवाया टीका, बुजुर्गों ने कहा टीकाकरण के बाद नहीं हुई कोई स्वास्थ्य समस्या। और हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार में फसल विविधीकरण पर 2 दिवसीय ऑनलाइन कृषि मेला आज से हुआ शुरू, देश भर से 50,000 किसानों ने करवाया पंजीकरण। समाचार में आज इतना ही, नमस्कार।